वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर हियर टू डिस्कस चैप्टर नंबर 2, ग्रेड 6, सोशल साइंस इन ज्योग्राफी सेक्शन। वी विल टुडे डिस्कस ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इन दिस वीडियो यू विल गेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू व्हाट यू मीन बाय ग्लोब, देन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, हाउ ग्रेड्स आर फॉर्म्ड, देन वी विल गो थ्रू द GMT, then international dateline, and at last of this video, आप देखते रहें ये video, at last of the video we will discuss the given exercise, important questions जो आप लोगों को copy में कर रहे हैं उनको भी discuss करेंगे। So hope you enjoy this video, let's start with the chapter one by one reading and I am trying to explain it one by one, so start करते हैं। सो लास्ट चैप्टर में बच्चों आपने देखा था कि प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ, शेप की बात कर रहे थे। शेप में हमने ये जाना, वी हैव आइडेंटिफाई दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज़ वेरी नियर टू स्पेयर, स्पेयर के जैसी है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ग्लोब जो है, ग्लोब को अगर आप देखते हैं, ग्लोब क्या है, मैंने पहले आपको बताया था, इट इज़ ए मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का एक मिनिएचर मॉडल है जिसके टॉप में अगर आप देखते हैं तो नॉर्दर्न साइड में नॉर्थ पोल है और सदर्न साइड में साउथ पोल है। सेंटर पार्ट इसका क्या है, जहाँ से इक्वेटर है आप देखते हैं, इक्वेटर वाला पार्ट से ये क्या है, बल्ज लिए हुए है। बल्ज का मतलब है उठाव लिए हुए, उभार लिए हुए, ओके। सो यहाँ पर आप देखेंगे डार्क कलर में एक लाइन लिखी गई हो जिसको आप देखेंगे, ग्लोब इज़ ए ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। सो ये एक डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती है तो आप इसको लिख सकते हैं, राइट डाउन। बाकी अपन इसमें देखते हैं कि ग्लोब की साइज़ के, ग्लोब में भी वेरिंग साइज एंड टाइप बड़े छोटे अलग अलग हो सकते हैं। बिग वन विच कैनॉट बी कैरीड ईजीली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड द ग्लोब लाइक बैलून्स विच कैन बी इन्फ्लेट एंड आर हैंडी एंड कैरीड विथ ईजी। तो ग्लोब बहुत बड़े हो सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनको छोटे बना सकते हैं, बैलून टाइप में बना सकते हैं, लपेट सकते हैं, हवा भर के ले जा सकते हैं, वो हैंडी होते हैं, उनको ले जाया जा सकता है। तो ग्लोब इज़ नॉट फिक्स, तो इससे एक चीज़ तो पता लग गई कि ग्लोब को ये फिक्स तो है नहीं, फिक्स यानी कि अर्थ के पूरा उसकी तरह नहीं, उसको दिखाता है, बताता है कि अर्थ के जैसा है। इट कैन बी रोटेट इन द सेम वे एज ए टॉप स्पाइन और ए पोर्टर्स व्हील इज रोटेट, और ग्लोब को वैसा ही घुमाया जा सकता है। इसके सेंटर में आप देख रहे हैं एक लाइन है, आप फिगर 2.1 पे देखिए, ग्लोब है, इसको स्पाइन किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है। और ग्लोब पे आपको क्या दिखाया जाता है, अगर ये क्वेश्चन आता है ग्लोब डेमोस्ट्रेट, क्या दिखाते हैं इस पर, इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड द कॉन्टिनेंट्स हैविंग मैनी कंट्रीज़, ओके। कॉन्टिनेंट्स होते हैं, महाद्वीप होते हैं और उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ होते हैं, और क्या होते हैं, 5 मेजर ओशंस हैं, देन सीज, माइनर सीज, मेजर सीज, ओके, दीज आर शोन इन दिस ग्लोब। सो इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्पेयर लाइक द अर्थ। तो ये बहुत एक बड़ी दिक्कत है कि अर्थ जो स्पेरिकल है उस पर हम किसी चीज़ को लोकेट कैसे करें, हम उसे किसी स्थान को दिखाएं कैसे, बताएं कैसे। सो एक क्वेश्चन आता है, नाउ द क्वेश्चन अराइज इन हाउ टू लोकेट ए प्लेस, कैसे दिखाएं। सो वी नीड ए सर्टेन पॉइंट्स, हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ए प्लेस। सो जगह को एक्यूरेट शो करने के लिए, दिखाने के लिए हमें कुछ इमेजनरी लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स। सो उन्हीं को हम यहाँ पर एलोब्रेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। यू विल नोटिस दैट ए नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब, आप ऊपर देखिए फिगर 2.1 में, एक सेंटर पार्ट से अगर हम एक नीडल डालें, एक सुराख करें और उसको वहाँ से रोटेट करें, तो यहाँ पर क्या है, द ग्लोब इज़ टिल्टेड मैनर, वो टिल्टेड है। मैंने पहले भी अपनी क्लास में आप लोगों को बताया है कि ये टिल्टेड होने के कारण, टिल्टेड कितना है, 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे टिल्ट है, झुका हुआ है। तो ये टिल्टेड मैनर होने से बहुत सारा है वेरिएशन इन डे एंड नाइट होता है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो टिल्टेड है कहाँ से है, जहाँ से ये बीच सेंटर से नीडे ला रहा है, ये इसका क्या है, एक्सिस है, करेक्ट। इसको क्या कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। टू पॉइंट इन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस टू आर पोल्स, और जहाँ से टॉप वाला पॉइंट देखिए 2.1 में, टॉप वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, नॉर्थ पोल, उसका साउथ में जहाँ से नील निकल रहा है वो क्या कहलाएगा, सदर्न पोल कहलाएगा। द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट,
और कैसे ग्लोब को मूव किया जाता है वेस्ट टू ईस्ट। तो आप यहाँ नोट कर लें, नोट डाउन कि अर्थ का रोटेशन जो है वो रोटेशनल डायरेक्शन क्या है, वो वेस्ट टू ईस्ट है। सो नोट डाउन, अर्थ का रोटेशनल डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है। सो जस्ट एज द अर्थ मूव्स, बट रिमेंबर देर इज ए मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज़ अपन ध्यान रखेंगे कि जो एक्चुअल अर्थ है, अर्थ पे इस तरीके का कोई नीडल नहीं डाला हुआ है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, उसका एक इमेजनरी एक्सिस है और वो एक्चुअल क्या है, दिस लाइन इज इमेजनरी। तो आप ये याद रखें कि ऑल दीज एक्सिस, ऑर्बिटल पाथ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, ऑल दीज आर इमेजनरी लाइन्स। ये इमेजनरी लाइन्स है, हमने काल्पनिक कुछ लाइनें बनाई हैं। अनादर इमेजनरी लाइन्स रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स, इसी तरीके एक लाइन जाती है वो इसको दो बराबर भागों में बांटती है। सो अब हम देखेंगे 2.1 में, आप ये फिर देखें तो इसके सेंटर पार्ट में जो लाइन मैंने आपको बताई थी, दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर, उसको क्या कहा जाता है, इक्वेटर कहते हैं। एंड द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो बच्चों ऊपर का जो पार्ट हो गया इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ हो गया, आप 2.1 से ऊपर टॉप में फिगर है जहाँ ग्लोब लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए सेंटर पार्ट में जो लाइन दिखा रखी है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके सदर्न में सदर्न हेमिस्फीयर दिखा रखा है। क्लियर? तो इक्वेटर से क्लियर, तो ये डिफाइन आप लोगों को समझ आ गया कि इक्वेटर क्या होता है, विच इक्वली डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ। इक्वल, इक्वेटर, इक्वल से क्या बना है, इक्वेटर बना है। तो उसके नॉर्थ में क्या रहेगा, करेक्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ में क्या रहेगा, सदर्न हेमिस्फीयर रहेगा। तो आगे चलते हैं, दे आर द बोथ इक्वल हाफ्स, बहुत अच्छी बात है कि ये इसको क्या करता है, बिल्कुल हाफ कर देता है, क्लियर, कट कर देता है। ठीक है, जैसे हम एक खरबूजा लें, वाटरमेलन लें, उसको हाफ कर दें बीच में से। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कल लाइन, सर्कुलर लाइन, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट ट्रेसेस ऑन द अर्थ। ऑल द पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, एंड द लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री। बहुत अच्छी बात है, आप इसको ध्यान से लिखेंगे, सो याद करेंगे कि सारे जो ऑल पैरेलल लाइंस हैं वो क्या हैं, इक्वेटर से, फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, कहाँ इक्वेटर से कहाँ जा रहे हैं, आप फिगर 2.2 में आप देखें, फिगर मैं सेकंड पेज पे आ गया हूँ, पेज नंबर 11, फिगर 2.2 में आप देखें, यहाँ पर जो सेंटर पार्ट है आप देख रहे हैं इक्वेटर देख रहे हैं, और इसके साथ दीज इमेजिनरी लाइंस आर नॉट फ्लैट लाइंस, दीज आर सर्कुलर लाइंस एंड विच आर गोइंग टुवर्ड्स द पोल्स, जो कहाँ जा रही है, पोल्स की तरफ जा रही है, नॉर्थ पोल पे। आप देखिए 20 डिग्री नॉर्थ लिखा है, 40 डिग्री है, 60 डिग्री है, 80 डिग्री है, ठीक है, और नॉर्थ पोल पे ये आगे जाता जा रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से अगर आप आगे चलेंगे, सो लैटिट्यूड्स को डिग्री में है, द इक्वेटर रिप्रेजेंट द जीरो डिग्री। इक्वेटर क्या कर रहा है, इक्वेटर को क्या कह रहे हैं हम, जीरो डिग्री कह रहे हैं, ये जीरो डिग्री रिप्रेजेंट करता है, जीरो डिग्री लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और ये इक्वल गैप्स है, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो बिल्कुल इक्वल चलता है, ये गोइंग टूवर्ड द नॉर्थ चल रहा है। सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर इज आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ द 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का 1/4 अगर अपन करेंगे तो 1/4 कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 90 नॉर्थ में, 90 साउथ में हो गया, एंड दस द नॉर्थ पोल एंड द साउथ, 90 डिग्री इन द साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल, और उसको क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। एज सच ऑल पैरेलल लैट नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स, इन सभी को क्या कहते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहा जाता है, ऑल आर नॉर्थ लैटिट्यूड्स। सिमिलरली ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स, इन सभी को क्या कहा जाता है, साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय द आइदर ऑफ द वर्ड्स नॉर्थ और साउथ, और इन्हीं वैल्यूज़ को क्या कहा जाता है, नॉर्थ और साउथ कहते हैं। जनरली दिस इज इंडिकेट द लेटर एन और एस से, इसमें आप देख रहे हैं नॉर्थ और साउथ में जो वैल्यूज़ इंडिकेट की है नॉर्थ और साउथ से, वो वैल्यू नॉर्थ और साउथ से इंडिकेट करी है। फॉर एग्जांपल अगर अपन देखेंगे यहाँ पर चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया में है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बेलो होरिजेंटी इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन द पैरेलल्स ऑफ
About 20 degree latitude, but the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south of it. We therefore say that the Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and the Belo Horizonte is situated 20 degree south latitude. So we see in figure 2.2 mein that as we go move away from the equator, the size of the parallel of latitude decrease. सो यहाँ पर हम जैसे जैसे जाएंगे ऊपर की तरफ जा रहे हैं जैसे जैसे, तो ये इनका साइज़ जो हो रहा है लैटिट्यूड्स का वो कम होता चला जा रहा है यहाँ पर. तो एक चीज़ देखिए 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एक 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, दोनों में डिफरेंस आप देखो. एक 20 डिग्री नॉर्थ में जहाँ चंद्रपुर लोकेटेड है वो इंडिया में लोकेटेड है, और 20 डिग्री साउथ में अगर चले जाएंगे, साउथ और नॉर्थ बदलते ही देखो लोकेशन बदल गई है और जगह भी बदल गई, प्लेस बदल गई है. अब अपन बात कर रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बिसाइड द इक्वेटर. इक्वेटर क्या है? जीरो डिग्री है. फिगर 2.3 में देखिए इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड द हीट जोन्स को बताया गया है, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. देर आर फोर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, फोर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं यहाँ पर. कौन कौन से हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इन द सदर्न हेमिस्फेयर. आर्टिक सर्कल्स है 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. देन अंटार्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर. क्लियर? सो यहाँ पर हम फिगर 2.3 को आप क्लियरली देखें, बहुत आसान है. सेंटर जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? इट इज़ नोन एज इक्वेटर कहलाएगा. उसको क्या कहेंगे हम? इक्वेटर कहते हैं. उसके ऊपर नॉर्थ में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एंड देन आर्टिक सर्कल है. आप इसके डिग्रीज़ को याद कर लें. जीरो डिग्री क्या है? लैटिट्यूड इट इज़ इक्वेटर. देन 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. देन 66.5 डिग्री आर्टिक सर्कल. देन नॉर्थ पोल एंड देन साउथ पोल. क्लियर? ऊपर में नॉर्थ पोल 90 डिग्री. सेम साउथ में ऐसे ही चलेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है 23.5 डिग्री साउथ. क्लियर? और देन अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री. एंड नेक्स्ट इसके नीचे क्या है? 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल है. सो दीज आर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स. इसी के बीच में मैं आपको बता देता हूँ, सेंटर पार्ट आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच का जो जोन कहलाता है, दिस जोन इज टॉरिड जोन. अभी आगे हीट जोन्स को भी पढ़ेंगे. तो हीट जोन्स में ये जो सेंटर पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? इट इज़ नोन एज टॉरिड जोन. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल के बीच का क्या कहलाता है? नॉट टेम्परेट जोन कहलाता है. टेम्परेट है. टेम्परेचर क्या है? एज वी गो फार अप फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, टेम्परेचर क्या होता है? कम होता चला जाता है. रेज स्लांटिंग हो जाती है सन की. देयर कम ऑन द पेज नंबर, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12. हीट जोन्स आर क्लासीफाई. हीट जोन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड द लास्ट वन इज इन द एयर ऑल लैटिट्यूड्स इन द बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. यहाँ पर एक खास बात आप याद रखिए कि हर एक बार साल में जो सूरज होता है वो हर लैटिट्यूड के ऊपर एग्जैक्टली ओवर हेड चमकता है उस पर. ठीक है, चाहे वो इक्वेटर पे तो हमेशा थ्रू आउट द ईयर रहता है, इक्वेटर पे हमेशा हेड पे सेंटर पे रहेगा और 90 डिग्री पे रहेगा. बाकी सभी जगह पे जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या आता है? 21st ऑफ जून को आता है. नेक्स्ट फिर वापस कब आएगा? 21st ऑफ मार्च को भी रहता है. ठीक है, ओवर हेड 21st मार्च को रहता है, 21st जून को रहता है, देन 23rd ऑफ सितंबर को रहता है, 22nd ऑफ दिसंबर को रहता है. ये ओवर हेड है, मतलब जब बिल्कुल टॉप पर रहेगा. इसी तरीके से पर इक्वेटर पे हमेशा रहता है. एंड दिस एरिया इज़ देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड दिस इज़ कॉल्ड द टॉरिड जोन. और जो सेंटर वाला पार्ट है मैंने आपको बताया था पीछे वाले फिगर में, सो यहाँ पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेज पड़ती हैं वो इलाका क्या कहलाता है? दिस रीजन इज़ कॉल्ड टॉरिड जोन. द मिड डे सन नेवर साइन ओवर हेड ऑन इट्स सच लैटिट्यूड बियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. तो कभी भी यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन जो मिड डे बताया है नेवर साइन ओवर इट, बाकी और जगह पर नहीं करता है. द एंगल ऑफ द सन रेज गोज इन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल. ये पहले भी बताया कि जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे एंगल क्या होगा? कम होता जाएगा. और रेज क्या होती जलेंगी? स्लांटिंग हो जाएंगी. आप फिगर 2.4 को देख सकते हैं, 2.4 बी को देख सकते हैं. टॉर्च लाइट फायरिंग स्ट्रेट चल रही है, तो ये ओवरहेड है.
2.4 पे जो पोजीशन बता रहा है वो ओवरहेड की पोजीशन बता रहा है, सन बिल्कुल रेस सीधी जा रही है, और 2.4B में जो रेस देनी है वो स्लांटिंग होती जा रही है। तो स्लांटिंग होंगी तो रेस कम पड़ेंगी, तो टेम्परेचर क्या होगा, डाउन चला जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे द एंगल ऑफ रेज डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल एज वी गो सच एज एरिया बाउंड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द आर्टिक सर्कल्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर एंड दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, टेम्परेट जोन कहते हैं। नेक्स्ट टेम्परेट जोन कहाँ पर बताया, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड से 66 ऊपर तक जाओगे टेम्परेट जोन। और इसके बाद नीचे हम देखते हैं फ्रिज जोन को देखेंगे। फ्रिज जोन जो होता है वो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच के होता है फ्रिज जोन, जहाँ हमेशा क्या होता है, बर्फ जमी होती है। तो आप याद रखेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आर्टिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर वाला इलाका क्या कहलाता है, फ्रिज जोन कहलाता है। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इन द पार्ट सेकंड वी विल अगेन कंटिन्यू व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। गुड बाय, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।